इंदौर के महू में रिटायर्ड फौजी ने टीवी मैकेनिक की गोली मारकर हत्या कर दी। उसने दुकान पर बैठे मैकेनिक पर 4 गोलियां चलाई। इसके बाद खुद एक्टिवा से एडिशनल एसपी ऑफिस पहुंचकर सरेंडर किया। मैकेनिक 2 महीने से रिटायर्ड फौजी की टीवी रखे हुए था। बार बार कहने के बाद भी सुधार कर नहीं दे रहा था। इससे आरोपी नाराज था। जब उससे पूछा गया कि उसने हत्या क्यों की तो बोला स्ट्रेस में था। घटना महू के गोकुलगंज इलाके की है। यहाँ मैकेनिक नीलू अग्रवाल की शॉप थी। नीलू शॉप पर बैठा हुआ था तभी रिटायर्ड फौजी जेवी सिंह परिहार उसके पास पहुंचा और अपनी लाइसेंसी बंदूक से उस पर 4 फायर की। बताया जा रहा है कि 2 गोलियां नीलू को लगी। उसे शहर के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन मौत हो चुकी थी। एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने ने बताया कि आरोपी मूलतः इंदौर का रहने वाला है। 2 महीने से दुकानदार के यहाँ चक्कर लगा रहा था। घटना से पहले दोनों में फोन पर बहस भी हुई थी। हत्या के बाद वह सीधा ऑफिस आया और पुलिस कर्मियों से बोला मैं दुकानदार को गोली मारकर आया हूँ, सरेंडर कर रहा हूँ। आरोपी ने सेना से रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक पुलिस डिपार्टमेंट में भी जवान के तौर पर नौकरी की। बाद में उसने रिटायरमेंट ले लिया। कहना करीब 2 महीने से टीवी सुधारने के लिए दी थी और लगातार ठीक करने के लिए बोला जा रहा था लेकिन टीवी ठीक नहीं की। आज उनका कुछ फोन पे विवाद हुआ उसके बाद ही घटना करी।